ये एक प्रॉपर वॉर नहीं थी, वॉर का एक समान था और इसमें हर इंसान दूसरे को खत्म करने में लगा हुआ था। क्यों, रीजंस क्या थी उसकी? क्योंकि मुकाबला था सेम डिजायर और सेम नीड्स की वजह से। उसके बाद डिफरेंसेस थे, आपस में इख्तलाफात थे, और पावर और ग्लोरी की चाह थी जिसने इंसान को इस सिचुएशन में धकेला। और फिर क्योंकि माइट इज राइट वाला सिस्टम था, जो ज्यादा पावरफुल हो गया, उसने वीकर को क्रश कर दिया और सोसाइटी में इनजस्टिस क्रिएट हो गया। फिर उसने कहा है कि देयर वाज अब ह्यूमन बीइंग की लाइफ का क्या सिचुएशन थी। इसने कहा है कि ही सेड द कंटिन्यूअल फियर एंड डेंजर ऑफ वायलेंट डेथ, देयर वाज अ कंटिन्यूअल फियर एंड डेंजर ऑफ वायलेंट डेथ। कोई भी किसी को भी किसी भी टाइम खत्म कर सकता था। लाइफ ऑफ मैन वॉज सॉलिटरी, यानी कि तन्हाई पसंद थी, पुअर बहुत खराब थी, गरीब हालत थी, नेस्टी ब्रूटिश एंड शॉर्ट। लाइफ ह्यूमन बींग की ज्यादा लंबी नहीं थी। फिर उसने कहा कि अब सॉवरन वो स्टेट की तरफ, अब उसने कहा कि ये वो स्टेप है जहाँ पे ह्यूमन बींग्स का ग्रो ग्रुप जो है वो वॉलंटरी एक्सेप्ट करता है कि हाँ हमें एक सॉवरन की और बॉडी ऑफ सॉवरन की जरूरत है, जो कि हमारे ऊपर एब्सोल्यूट रूल कर सके, जो कि हमारे ऊपर चेक रख सके, ताकि इक्वालिटी क्रिएट हो और सिस्टम क्रिएट हो। और ये जो वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल है, कंटिन्यूअल फियर और डेंजर ऑफ डेथ है, नास्टी ब्रूटिश और शॉर्ट और अग्रेसिव लाइफ है, और ह्यूमन बींग की जो डिजायर है इनको ऑर्गेनाइज कर सके। फिर उन्होंने कहा है कि हॉब्स के मुताबिक यहाँ पे इशू शुरू होता है। हॉब्स कह रहे हैं कि उसने लेवाथन, उसकी बुक है, हॉब्स की बुक है, जिसमें उसने ये सारी चीज़ें, ये जो थ्योरी प्रेजेंट की है, उसमें उसने लेवाथन में की है। और उस बुक के स्पेलिंग है नेम के LEVIATHAN। ही सेड दैट लेवाथन, उसने एक उसको एक्सप्लेन किया इस सेंस में कि, एक मिनट मैं उसको आप डेफिनेशन बताती हूँ। अ जॉइंट बॉडी इज कंपोज ऑफ द काउंटलेस बॉडीज ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये एक उसने लेवाथन को इस सेंस में एक्सप्लेन किया है। वो कहते हैं कि दिस इज द जनरेशन ऑफ ग्रेट लेवाथन। ये उस टाइम की बात कर रहा है, 17th सेंचुरी की, जब हॉब्स के टाइम पीरियड में सिचुएशन खराब थी। 30 ईयर्स की वॉर का ये समा था यूरोप में। उस टाइम वो ये प्रोटेक्ट करने के लिए एब्सोल्यूट मोनार्की को, अपनी किंगडम को, उसके लिए आर्ग्यूमेंट देते हैं। दिस इज द जनरेशन ऑफ ग्रेट लेवाथन दैट मॉर्टल गॉड टू विच वी ओ आर पीस एंड डिफेंस। मतलब वो कहते हैं कि हमें खुदा के सूरत में एक ग्रेट ह्यूमन बींग की, ग्रेट बॉडी की, एब्सोल्यूट सॉवरन की जरूरत है। उसी के थ्रू ही पीस और डिफेंस कायम हो सकता है स्टेट में। फिर वो कहते हैं कि मैन हैव टू सरेंडर देयर नेचुरल राइट कंप्लीटली एंड अनकंडीशनली टू अ सॉवरन और बॉडी ऑफ सॉवरन। इसमें दो चीजें, वो कह रहे हैं कि पूरे तरीके से ह्यूमन बींग्स ने अपने नेचुरल राइट्स अबेंडन कर देने हैं, छोड़ देने हैं, और दूसरा कोई कंडीशन नहीं रखनी है उसके ऊपर। और फिर आगे इसको वो लेके इस तरह चलता है कि जो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये इसमें इंटरेस्टिंग सी बात है। वो कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट सॉवरन और ह्यूमन बींग्स के दरम्यान में नहीं होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट, ये कंसेंसस सिर्फ ह्यूमन बींग्स के अंदर होगा। इसको भी आगे चल के क्रिटिसिज्म में आपको बता दूं कि इसमें क्या इशू है। लेकिन वो कहता है कि सॉवरन क्योंकि पार्टी ही नहीं है, सो ही इज नॉट अकाउंटेबल, आंसरेबल, पनिशेबल, और आप उसको हटा भी नहीं सकते, नॉन रिमूवेबल है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किया है और आपने सेलेक्ट किया है कि हाँ हमारे बीच एक सॉवरन होना चाहिए, और वो सॉवरन इन सब चीजों से अहेड अबव है। देन दे सेड कि नॉट ऑल गवर्नमेंटल एग्रीमेंट, ओके नॉट गवर्नमेंट, सॉरी नॉट अ गवर्नमेंट, सो दिस सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ गवर्नमेंटल एग्रीमेंट, सो इट कैन नॉट बी वायोलेटेड, नॉर इट कैन बी सस्पेंडेड, रिमूव्ड, एंडेड, नो मैटर व्हाट द किंग और द रूलर डज। चाहे किंग और रूलर ने कुछ भी किया हो, आपका ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, आपने एक दफा साइन कर लिया, वंस यू आर इन, देर इज नो कमिंग बैक, गोइंग बैक, देर इज नो एग्जिट। बस आपने फिर उसके बाद सॉवरन आपके साथ चाहे कैसा भी ट्रीट करे, आपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, सो नाउ यू आर अकाउंटेबल फॉर योर सेल्फ। ओके, फिर इसमें आगे वो थोड़ी सी सॉवरेनिटी को डिस्कस करता है कि सॉवरन के पास क्या पावर होगी, क्या वो उसके करेगा। जैसे कि सॉवरन हैज एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी, एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी इन सेंस कि नादर इज अकाउंटेबल टू एनी वन, कंडीशन इन्वॉल्व कि आप उसको लाइबल कर सको। सॉवरन पावर इज एब्सोल्यूट बिकॉज इट इज नॉट बेस्ड ऑन एनी कंडीशन। And then he said, sovereign is not a party to a contract, so sovereignty
सो सॉवरन सॉवरेनिटी आप इसको कह लें या सॉवरेनिटी इज इनएलियनेबल और इनडिवाइजेबल, ना आप इसको खत्म कर सकते हैं, ना आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, ना आप इसको अबेंडन कर सकते हैं. और सॉवरन इज अनपनिशेबल, आप इसको पनिश भी नहीं कर सकते. देन दे सेड पावर टू मेक लॉज, सॉवरन हैज द पावर टू मेक लॉज एंड दोज लॉज आर कमांड्स नॉट काउंसिल. ये एक सजेशन नहीं है, ये एक काउंसिल इन द सेंस गाइडेंस नहीं है. आप सॉवरन का कहा वो वर्ड जो है आगे जॉन ऑस्टिन को भी डिस्कस करूंगी, उसने कहा है कि जो लॉ है इट्स द कमांड ऑफ द सॉवरन. सॉवरन ने, सॉवरन को उस टाइम मोनार्क जो था उसको कहते थे क्योंकि मोनार्की थी. अब सॉवरन जो होगा वो हेड ऑफ स्टेट होगा, हेड ऑफ गवर्नमेंट होगा. ठीक है, तो वो कहते हैं कि ये लॉ जो है वो आप इसको कह लें कि लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरन. यही इसने भी हॉब्स ने भी इनडायरेक्ट वे में बात की है. देन ही सेड ओनली सॉवरन इज द सोल जज ऑफ राइट एंड रॉन्ग. राइट, सॉवरन डिफाइन करेगा कि कौन सी डॉक्ट्राइन जो है वो आपको अप्लाई करनी है, अबेंडन करनी है, राइट किसको कहना है, रॉन्ग किसको कहना है. और इनडायरेक्टली ऑथर जो है ये जिसको मैं फॉलो कर रही हूँ वो मजरुल हक साहब की है, जिसको हमने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था. ही सेड कि इट वॉज अ बोल्ड डिफेंस ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की. देन अब आते हैं क्रिटिसिज्म की तरफ, कि हॉब्स की इस थ्योरी के अंदर क्या पॉइंट्स थे जो मिसिंग थे, जिसकी वजह से आगे जॉन लॉक को इसको काउंटर करना पड़ा. लेकिन इससे पहले मैं एक चीज मेंशन कर दूं कि सॉवरन के आप किसी कमांड को डिसोबे नहीं कर सकते, एक्सेप्ट उसने हॉब्स ने एक कंडीशन रखी थी कि इफ देयर इज अ डेंजर ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन, danger against self-preservation or self-defense, only then you can disobey your ruler, your sovereign, your monarch, right? अगर आपकी self-preservation को खतरा है, अगर आपकी जो आपका group है, आपकी society है, इसको खतरा है, और अगर आपकी state को खतरा है, फिर आप उसको इनकार कर सकते हैं, उसकी command को obey करने से. otherwise there is no way आप sovereign की command को नहीं मानेंगे. alright, so criticism में सबसे पहले जो आते हैं वो ये कहते हैं कि क्योंकि थॉमस हॉब्स की जो ओरिजिन ऑफ स्टेट था उसकी थ्योरी के मुताबिक सिर्फ फियर ही वो रीजन बना जिसने पुश किया ह्यूमन बीइंग्स को कि वो स्टेट यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो जाए. ठीक है, सो क्रिटिक से, एनालिस्ट से, द फियर कैन नॉट बी द ओनली बेसिस ऑफ स्टेट. फियर इज द साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ स्टेट, इट्स नॉट द ओनली रीजन. His analysis of human nature is also unsound, unrealistic भी कह लें आप इसको, अब इसको कह लें कि inaccurate था, क्योंकि उसने जो human life portray की थी वो it was such a dark dismal dismal colors that is it is unreal and untrue. क्रिटिक्स इसको एक्सेप्ट नहीं करते इस डेफिनेशन को, इंटरप्रिटेशन को, कि ह्यूमन लाइफ जो थी वो स्टेट ऑफ नेचर में, स्टेट ऑफ नेचर वो था जब कोई सिस्टम नहीं बना था, ह्यूमन बींग बगैर इसके रह रहे थे उसमें. मैन इज नॉट सो इनहेरेंटली सेल्फिश, अग्रेसिव एंड सेल्फ सेंटर्ड एज ही डिस्क्राइब्ड हिम. मैन इज सेल्फिश येट ही इज आल्सो अ सोशल क्रीचर, क्योंकि हॉब्स कहता है कि मैन बिल्कुल भी सोशल क्रीचर नहीं था, वो एंटी सोशल था, वो आइसोलेशनिज्म को पसंद करता था. सो क्रिटिक्स कहते हैं कि ऐसा नहीं था, मैन हमेशा से सोशल क्रीचर रहा है. हाँ, उसमें ये टेंडेंसीज हैं कि वो सेल्फिश रहा है, सेल्फिश है. सो थर्ड जो क्रिटिसिज्म था वो ये है कि हॉब्स ट्विस्टेड द मीनिंग ऑफ वर्ड कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज ऑन द वन हैंड ही सेड दैट यू विल बी एंटरिंग इनटू अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एनी कंडीशन एंड कंप्लीटली सरेंडरिंग योरसेल्फ, सबमिटिंग योर नेचुरल राइट्स टू अ सॉवरन. एंड देन ही वाज लाइक ओके, ही सेड दैट ही ट्विस्टेड द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट हाउ, बिकॉज ही वाज लाइक के हॉब सेड के ह्यूमन बींग्स आर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स यूनिलैटरली बिकॉज सॉवरन वाज नॉट द पार्टी. तो फिर दूसरी पार्टी कौन है अगर सिर्फ एक, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की बेसिस जो लीगल टर्म है, बेसिस है, उसकी बेसिस यही कि इसमें दो पार्टीज होती हैं और सम हाउ थ्री भी होती हैं क्योंकि थर्ड जो है वो गारंटर होता है. बट इस टाइम वो कहते हैं कि आप ह्यूमन बींग्स जो है वो खुद ही कॉन्ट्रैक्ट में हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है कि जिसमें सिंगल पार्टी जो है वो खुद ही अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही है. हाउ ऑन अर्थ? सो He manipulated, twisted the word contract, क्योंकि contract कभी भी एक party से नहीं होता, unilaterally नहीं होता, one side नहीं होता. And as Hobbes narrated कि sovereign is not a party,
nor it is binding on him. So he is not punishable, not accountable and all that stuff. Then there is another criticism. They said that Hobbes is inconsistent in describing the terms of the contract. Now here is the thing जो हमने पीछे mention किया कि एक तरफ तो कह रहा है कि वो human being जो है वो पूरे तरीके से completely without any condition वो surrender कर रहा है, submit कर रहा है अपने natural rights, submission में आ रहा है. But then he also mentioned कि there is only one condition or two circumstances where human beings can revolt, can get up and disobey the command of the sovereign, which are dangers against self-preservation and self-defense. They said that on one hand, men completely surrender all natural rights to the sovereign when they enter into the covenant among themselves. But subsequently, he says that they have retained the natural right of self-preservation and self-defense. So this could not be a complete surrender when something is still preserved in the contract. Yes, criticism tha. फिर उन्होंने फिफ्थ ऑब्लिगेशन ऑब्जेक्शन ये किया कि हॉब्स लीगल थ्योरी ऑफ राइट एंड सॉवरेनिटी इज आल्सो वन साइडेड बिकॉज दे सेड दैट इट डज टेल अस समथिंग अबाउट द नेचर ऑफ स्टेट बट नॉट अबाउट होल ऑफ इट आई मीन दैट राइट्स मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट बट इट टेल्स अस दैट राइट्स मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट बट इट डज नॉट इन्फॉर्म अस व्हाई एंड व्हेन they should receive such recognition. पूरे तरीके से उसने terms mention ही नहीं किए हैं. आप agreement तो कर रहे हो, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि कब state ने आपको recognize कर लिया है, आपके rights को, आपकी submission को officialize कर दिया है. So next one is John Locke. John Locke के मुताबिक जो law of state of nature जो थी, उसमें rule था. It was not without it was not an warlike situation. There wasn't any warlike situation. There was a law which was called law of nature, and yes, it was unwritten, but human beings, according to John Locke, are rational and their thinking is based on equality. John Locke wrote book two treatises on civil government, TWO2 treatises, TREATISES on सिविल गवर्नमेंट. ये बुक उनके नाम से फेमस है, उन्होंने ये लिखी है, जिसमें वो कहते हैं कि अभी जो हॉब्स हैं उसने एब्सोल्यूट मोनार्की को सपोर्ट किया है. एब्सोल्यूट मोनार्की इज समथिंग कि यू हैव टू गिव अनलिमिटेड पावर्स टू द सॉवरेन. जॉन लॉक ने सपोर्ट किया है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इज समथिंग सॉवरेन इज क्राउन आई मीन फ्रॉम बाय सॉवरेन आई मीन क्राउन इज bind through a set of rules, constitution. वो exercise authority तो कर रहा है, लेकिन constitution के through वो bound है. और जो exercise of power है basically वो crown के नाम पे prime minister और government करती है. So John Locke जो है वो इनका जो time period था, era था, वो था glorious revolution का. He was with the party of Whigs, political party जो है टॉरी और विग्स अभी भी उधर हैं, यूके में हैं ये पोलिटिकल पार्टीज हैं. विग्स जो थे इसको ये ग्लोरियस रेवोल्यूशन में विक्टोरियस पार्ट थे. ग्लोरियस रेवोल्यूशन वाज अ ब्लडलेस रेवोल्यूशन. ही वाज अगेंस्ट द किंग, किंग जेम्स टू एंड सेवेंथ ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड. दे एब्डिकेटेड हिम, उसको रिमूव कर दिया विद द हेल्प ऑफ हिज डॉटर then Princess Mary and her husband Prince William of Orange, Dutch Prince William of Orange. And the other party was political party was Whigs political party. So unki ye ideology thi, they were these both parties, Princess Mary and Whigs political party, they were against the king James II and VII of England, Scotland and Ireland. Kyun? Because he was Catholic. और मैंने आपको पहले भी बताया कि ब्रिटेन के अंदर जब 30 इयर्स की वॉर का वो पीरियड जब क्लियर हुआ, तो तब लोग और जो किंग हेनरी द सिक्स था उसके मुताबिक ये मतलब इन्होंने अपनी डिफाइन कर दिया था कि किंग ही हेड ऑफ द चर्च होगा. और एंग्ली एक मिनट मुझे इंग्लिश चर्च का नाम देखने दें, अभी मुझे थोड़ा सा उसका याद नहीं आ रहा.
टर्म में प्रोनाउंस करने में थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है. ओके, एंग्लिकन चर्च है इनका, चर्च ऑफ इंग्लैंड इसको कहा जाता है. और इसमें ये प्रोटेस्टेंट बेसिकली आइडियोलॉजी के सेट को आगे फॉलो करते हैं. सो देवर अंगेज द किंग, दे एबडिकेटेड हिम और उसको किंग को उतार दिया. और नई जो गवर्नमेंट कायम हुई वो प्योरली प्रोटेस्टेंट्स की गवर्नमेंट थी और उसमें स्ट्रांग हो गई और जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है वो स्ट्रांग हो गई. एंड जॉन लॉक वाज आल्सो अमंग दीज पार्टीज, तो वो बिग पार्टी से ताल्लुक रखता था. उसने फिर इसको डिफेंड करने के लिए ये बुक लिखी, टू ट्रिटाइजेज ऑफ सिविल गवर्नमेंट. और उसमें उसने कहा कि नेचुरल, अब वो भी ओरिजिन को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जो लॉ ऑफ नेचर थी इसमें, देयर वाज नेचुरल फ्रीडम एंड दैट नेचुरल फ्रीडम वाज नॉट अ लाइसेंस बिकॉज द स्टेट ऑफ नेचर वाज रूल्ड बाय लॉ ऑफ नेचर व्हिच वाज बेस्ड ऑन रीजन एंड जस्टिस. सो ह्यूमन बींग्स ना तो ब्रूटिश थे ना सेल्फिश थे, बल्कि वो रीजन रैशनल था उनके पास, रीजन थी और वो जस्ट थे. आई मीन सो बैक टू जॉन लॉक. जॉन लॉक के मुताबिक रीजन वाज द इंटरप्रेटर एंड इक्वालिटी वाज फंडामेंटल टुवर्ड मैन्स रिलेशन विद ईच अदर. ह्यूमन बींग्स जो थे उनका जो रिलेशनशिप था एक दूसरे के साथ उसमें रीजन इन्वॉल्व थी. बिकॉज जॉन लॉक सेड कि ही वाज मैन वाज ओनली कंसर्न विद हिज डिजायर एंड हिज नीड्स, बट जॉन लॉक कहते हैं कि नहीं, रीजन इन्वॉल्व थी और ह्यूमन बींग के रिलेशनशिप्स में इक्वालिटी इन्वॉल्व थी. अब नेक्स्ट जो थ्री पॉइंट्स हैं ये जो मैं बताने जा रही हूँ, ये कहा जाता है कि ये फंडामेंटल बेसिस हैं लिबरलिज्म के भी. हाउ? बिकॉज ही सेड दैट मैन हैड द थ्री प्रिविलेजेस ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ नेचर, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी. ही हैड दोज थ्री, मैन हैड दोज थ्री राइट्स, राइट, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, जिसको अब भी समझा जाता है कि लिबरलिज्म की पहली फंडामेंटल बेसिस में ह्यूमन बीइंग को इन तीनों चीज़ों की आज़ादी है. सो जॉन लॉक के मुताबिक जो लाइफ थी ह्यूमन बीइंग की स्टेट ऑफ नेचर में, वो एंटी सोशल नहीं थी, बल्कि वो प्री सोशल नहीं थी, वो प्री पोलिटिकल थी. मैन वॉज सोशल एनिमल बट ही वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट पोलिटिकल study or he doesn't have any political institution. So why does, agar insaan itna hi acha tha, cooperative tha, itna rational based tha, uske paas reason thi, justice tha, so why they felt the need to have a social contract? Uska answer John Locke ne is tarah diya hai ki, is it man was during the law of nature. Okay, state of nature, the law of nature was not clear because the interest as well as the intelligence of each man differed from others, and due to which each human being interpreted the law of nature as he liked. Interpretations ka problem tha sara. Law of nature exist kar raha tha, lekin kyunki human being ki intelligence aur uske interest different the, so everyone was like having their own interpretation. So jiski wajah se सोसाइटी में एक गड़बड़ हो रही थी, जिसकी वजह से अनरेस्ट था सोसाइटी में, जिसको लेकर मैन को जरूरत फील हुई कि अब हमें एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना चाहिए. सेकंड रीजन व्हिच जॉन लॉक स्टेटेड, ही सेड देयर वाज नो कॉम्पिटेंट एंड इम्पार्शियल नॉन जजेस टू इंटरप्रेट द लॉ. पहली बार तो ये उसने कहा है कि इंटरप्रिटेशन डिफरेंट थी. देन ही सेड देयर वाज नो परमानेंट और इम्पार्शियल जज जो कि इसको व्यू कर सके, इसको देख सके कि ये, देयर वाज नो इम्पार्शियल जज की जो इंटरप्रेट लॉ को कर सके बिना किसी रवा जानबदारी की. इम्पार्शियलिज्म नहीं था उसमें. देन थर्ड रीजन व्हिच ही गेव, सेड देयर वाज नो कॉमन अथॉरिटी टू इन्फोर्स इट. पहली कहा कि इंटरप्रिटेशन ही नहीं है, दूसरी कहा कि डिफरेंट है, दूसरी में कहा कि इंटरप्रिटेशन करे कौन, इम्पार्शियल जज नहीं है. थर्ड ही वाज सेइंग कि देयर वाज नो कॉमन अथॉरिटी टू इन्फोर्स इट, क्योंकि इन्फोर्स हमेशा लॉ को एक स्टेट के अंदर लॉ इन्फोर्समेंट बॉडीज करती हैं, जिनके अंदर आप देख सकते हैं लॉ इन्फोर्समेंट बॉडीज में इंटरप्रिटेशन लॉ की हमारे यहाँ आप जुडिशरी करती है, लॉ को बनाती लेजिस्लेचर है, और ये इन्फोर्समेंट इसकी होती है थ्रू लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, थ्रू पुलिस और जितने भी बाकी इंस्टीट्यूशन हैं, जो हुए
अगर क्रिमिनल का बेस होगा तो वो अगर वो पुलिस करेगी, अगर वो करप्शन बेस है तो ये नैब और इस तरह की, मतलब ये डिवीजन हो गई है, ये अपना अपना इन्फोर्स कर रहे होते हैं, ये नहीं था. सो दैट्स वाई ही सेड कि जरूरत पड़ी हमें ह्यूमन बींग्स को, उन्होंने डिसाइड किया कि वी शुड हैव अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट. देन देर इज जॉन जे रूसो. रूसो को ये कहा जाता है कि ही वॉज दी फाउंडर ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी. हाउ? वो कहते हैं कि रूसो ने सबसे पहले ये आइडिया दिया था कि यहाँ पे एक जो रूल होना चाहिए वो होना चाहिए जनरल विल का. जनरल विल जो है वो ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर्स को ऑर्गेनाइज करेगी. जो जनरल विल है, ऑल्दो वो नजर नहीं आती, लेकिन वो ह्यूमन बिहेवियर, जनरल विल एक कंसेंसस है लोगों के दरम्यान, जिसमें लोग अपनी पर्सनल इंटरेस्ट को छोड़ के एक कॉमन ग्राउंड के ऊपर कंसेंसस बना लेंगे और फिर उसको म्यूचुअली कंसेंसस के थ्रू इन्फोर्स करेंगे. और उसमें ही सेड दैट डिक्लेयरिंग द जनरल विल और विल ऑफ पीपल वाज द सुप्रीम एब्सोल्यूट एंड अनलिमिटेड सॉवरन इन द स्टेट. जो जॉन लॉक था वो भी ये कह रहा था कि एक सॉवरन हो या बॉडी ऑफ सॉवरन हो, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हो. जो हॉब हाउस था वो कहता था कि एब्सोल्यूट हो, लेकिन जो रूसो है ही वाज ऑफ द व्यू के नहीं, ह्यूमन बींग्स हो ही नहीं, एक जनरल विल जो है वो रूल करेगी और वो सुप्रीम होगी. सॉवरेनिटी का जो कॉन्सेप्ट है, जो वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट है, उसमें दो ग्रुप ऑफ स्कूल ऑफ थॉट्स हैं. मोनोथेस्टिक सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट, थ्योरी ऑफ स्टेट, और प्लूरलिस्टिक और प्लूरल थ्योरी ऑफ स्टेट, ये सॉवरेनिटी ही थ्योरीज हैं. राइट? जो मोनोथेस्ट हैं वो ये कहते हैं कि जो जैसे हॉब्स की तरह, हॉब्स भी मोनोथेस्टिक है, वो ये कहता है कि जो सॉवरन होगा, जो रूलर होगा, वो एब्सोल्यूट होगा, उसके पास एब्सोल्यूट पावर होगी, कोई इसको क्वेश्चन नहीं कर सकेगा, उसकी कमांड को आप रिजेक्ट नहीं कर सकेंगे. और स्टेट जो है इज सुप्रीम. अच्छा, ये दो ग्रुप ऑफ थॉट्स को मैंने इसलिए भी मेंशन करना यहाँ पे जरूरी समझा है क्योंकि एक एक डिबेट आ रही है कि पॉलिटिकल साइंस में कि क्या स्टेट जो है वो सुप्रीम है, उसकी वो हर एसोसिएशन से अबव है, या स्टेट के साथ जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे कि गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशन हैं वो सुप्रीम है. जो मोनोथिस्ट हैं ये कहते हैं कि स्टेट जो है वो सबसे अबव है, सबसे सुप्रीम इंस्टीट्यूशन है और सबको इसके ताबे होना है, सारी ऑर्गेनाइजेशन इसी से हैं, अगर स्टेट नहीं है तो कुछ भी नहीं है. बट जो प्लूरलिस्ट हैं, जो प्लूरल थ्योरी ऑफ स्टेट की जो प्रोपोनेंट्स हैं, देयर ऑफ द व्यू कि जो प्लूरल थ्योरी ऑफ स्टेट के जो प्रोपोनेंट्स हैं, देयर ऑफ द व्यू देयर इज अ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी. यस, स्टेट इज इम्पॉर्टेंट बट इट्स नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट जितनी इम्पॉर्टेंस उसको मोनोथिस्टिक जो थ्योरी के, जो सॉवरेनिटी के जो एडवोकेट्स हैं वो इम्पॉर्टेंस देते हैं. वो कुछ इस तरह इसको कहते हैं, जो मोनोथिस्ट हैं वो कहते हैं कि स्टेट इज सुप्रीम एसोसिएशन एंड ऑल अदर एसोसिएशंस एंड द क्रिएशन एंड ऑल अदर एसोसिएशन एंड आर द क्रिएशन ऑफ स्टेट एंड देयर एग्जिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन द विल ऑफ सॉवरन. राइट? वो कहते हैं कि स्टेट जो है उसने आपको बनाया है और आपकी एग्जिस्टेंस तब तक पॉसिबल है जब तक के स्टेट एग्जिस्ट कर रही है. जब स्टेट चाहेगी वो आपको खत्म कर सकती है. जो मोनोथिस्ट हैं, सॉरी पैरेंट, माय बैड, जो प्लूरल थ्योरी ऑफ स्टेट के जो प्रोपोनेंट्स हैं, मैं आगे उनका नाम भी बताती हूँ कौन से हैं. ये कहते हैं कि नो, यस, स्टेट एंजॉयज प्रिविलेज्ड पोजीशन बिकॉज ऑफ इट्स वाइडर ज्यूरिसडिक्शन व्हिच कवर्स ऑल इंडिविजुअल्स एंड एसोसिएशंस विद इन इट्स बाउंड्री, बट इट डज नॉट मेक इट सुपीरियर टू अदर एसोसिएशंस. यस, स्टेट हैज द पावर टू पनिश दोज हु डिफाई इट्स कमांड, जो कि उसकी कमांड मानने से इनकार कर देते हैं, बट दिस पावर इज नॉट एब्सोल्यूट. सो स्टेट एंड गवर्नमेंट आर वन एंड द सेम थिंग. नाउ कमिंग बैक टू द मोनोथिस्ट, दे आर ऑफ द व्यू दैट गवर्नमेंट कैन नेवर बी इक्वल टू द स्टेट. स्टेट इज परमानेंट इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट ओनली यू एक्सरसाइज इज पावर ऑन द नेम ऑफ स्टेट, बट स्टेट विल रिमेन सॉवरन. जो प्रोपोनेंट है मोनोथिस्टिक लीगल थ्योरी के, इसको भी कहा जाता है सॉवरेनिटी की, इसमें आते हैं सबसे पहले जॉन ऑस्टन. सबसे पहले जॉन ऑस्टन नहीं आते, आई एम सॉरी, सबसे पहले आते हैं जॉन थॉमस हॉब्स हैं, देन फिर जॉन जे
बोडेन है, फाउंडर फ्रॉम हिज नेम जीन बोडेन है, और फिर उसके बाद सबसे पहले जीन बोडेन है, JEANBOTIN, देन आते हैं थॉमस हॉब्स, उनकी स्पेलिंग बता चुकी हूँ, देन आते हैं जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है क्योंकि उन्होंने क्लियरली इसको डिफाइन किया है कि लीगल मोनोथिस्टिक थियरी ऑफ सॉवरेनिटी स्टेट के अंदर क्या चीज़ है। जॉन ऑस्टिन की स्पेलिंग है JOHN AUSTIN, जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन को अब मैं डिस्कस कर रही हूँ वो क्या कहते हैं, उनकी क्यों इतनी ज़्यादा उनकी इंपॉर्टेंस है। बाय द वे, जीन बुडेन जो है वो फर्स्ट हैं जिन्होंने थियरी ऑफ सॉवरेनिटी को स्टेट के टर्म्स में और एब्सोल्यूट रॉयल पावर को इन इंटरप्रिटेशन को इंट्रोड्यूस किया, इनको एक्सप्लेन किया, और उन्होंने बोला कि एब्सोल्यूट रॉयल पावर सॉवरन हैज द एब्सोल्यूट रॉयल पावर टू सप्रेस द लॉलेस बिहेवियर ऑफ पावरफुल एंड फ्यूडल लॉर्ड्स। एज आई टोल्ड यू, एज आई मेंशन अर्लियर, कि यूरोप के अंदर फ्यूडल सिस्टम था और फ्यूडल लॉर्ड्स जो थे, क्योंकि जब उनके पास फीस आ जाती थी, जागीरें आ जाती थी, सो देयर बिहेवियर वॉज अनकंट्रोलेबल, वो फसाद में इन्वॉल्व होते थे, अनरेस्ट फैलता था, सिविल अनरेस्ट होता था। उसकी वजह से जीन बोडेन ने ये एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी, और उसमें ये इसने बोला था कि उसके पास एब्सोल्यूट पावर होनी चाहिए। देन के हॉब्स, हॉब्स को हम डिस्कस कर चुके हैं, उसने क्या बोला कि देयर वाज लॉ ऑफ जंगल और मैन जो था वो बारबेरियन था और वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल थी और लॉलेसनेस थी, तो एब्सोल्यूट पावर ऑफ स्टेट इज द गारंटी, वाज द गारंटी अगेंस्ट द लॉलेसनेस ऑफ द स्टेट ऑफ नेचर। सो अब नाउ आते हैं जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन कह रहे हैं कि जो लीगल, उसकी जो लीगल मोनोथिस्टिक थ्योरी ऑफ स्टेट है, थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी ये कह लें इसको, उसमें वो कहते हैं कि ही इनविजिलाइजेस सॉवरन, अ सिंगल सॉवरन इन अ स्टेट, एंड दैट सॉवरन कैन बी अ पर्सन और बॉडी ऑफ पर्संस। और जॉन ऑस्टिन ने ये जो थ्योरी दी है अपनी इस ये इस बुक में दी है, इसका नाम है प्रोविंस ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस डिटर्मिंड, प्रोविंस ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस, JURISPRUDENCE, jurisprudence, ENCE, determined, 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 1832 में ये पब्लिश हुई थी, और इसमें वो कहता है, quotation marks था, if a determinate, determined के ही आगे MIN के बाद ATE लगाना है, determinate, human superior, not in the habit of obedience to a like superior, and receives habitual obedience from the bulk of given society, that determinant superior is sovereign in that society, and that society is society political and independent, quotation marks close। वो कहते हैं कि वो जो एक determinant human superior होगा, जिसको अब हम absolute monarch भी कह लें, sovereign कह लें, वो उसको आदत नहीं होगी कि वो अबेयर करे कमांड्स को दूसरों के सोसाइटी के अंदर, और दूसरे उसके कमांड बता हैबिचुअली जो है वो ओबीडियंस उसके करते होंगे, और उसके बाद वो जो डिटर्मिनेंट है उस सोसाइटी के अंदर, सुपीरियर जो है वो उस सोसाइटी का सॉवरन होगा, और वो सोसाइटी जो है वो पॉलिटिकल सोसाइटी होगी और इंडिपेंडेंट होगी। ठीक है, अब इसमें कौन से पॉइंट्स मेंशन है, अब वो मैं क्लियर करती हूँ। ये जो डिटर्मिनेंट पर्सन है, जो एब्सोल्यूट सॉवरन है, जॉन ऑस्टिन के मुताबिक ये इसके पास अनलिमिटेड पावर है, सो एक्स एज अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर, दैट डिटर्मिनेंट पर्सन और बॉडी ऑफ पर्सन एक्स एज अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर, क्योंकि वो किसी को ओबे नहीं करता, सब उसकी हैबिचुअल ओबीडियंस करते हैं, सो ही हैज ऑल द पावर्स इन हिमसेल्फ। बाय द वे, यहाँ पे मैं एक चीज़ और भी मेंशन करता हूँ कि ये सारे जो थॉट्स हैं ये वेस्टर्न थॉट्स हैं, इनको कभी भी इस्लामिक थॉट्स में कंपेयर नहीं कीजिएगा, क्योंकि इस्लामिक थॉट्स में सबसे अभी वो मैंने चीज़ आई एम सॉरी कवर नहीं की, लेकिन मैं आपको जनरली बता दूँ, फिर मैं आपको एक एक चीज़ के साथ स्टेप के साथ भी बताऊँगी कि ह्यूमन इस्लामिक थॉट्स में सॉवरन कभी भी ह्यूमन बींग, एब्सोल्यूट सॉवरन कभी भी ह्यूमन बींग नहीं हो सकता। एब्सोल्यूट सॉवरन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की, अल्लाह अलमाइटी इज द एब्सोल्यूट सॉवरन, और इवन वी हैव इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इन पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन इन वेरी फ्यू फर्स्ट फ्यू लाइंस के हम ये जो पावर है ये एक्सरसाइज कर रहे हैं अल्लाह की दी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, और वी नो दैट गॉड अलमाइटी इज द रियल सॉवरन और क्रिएटर, और उसके बाद आई गेस ही इज द गॉड ऑफ द यूनिवर्स समथिंग, ये लाइन्स हैं कुछ।
बट वेस्टर्न थॉट्स में डिटर्मिनेट कर रहा है पर्सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर है, देन ही हैज द एब्सोल्यूट एंड अनलिमिटेड पावर. सेकंड, थर्ड, ओबीडियंस इज एक्सपेक्टेड नॉट गिवन. कभी भी आप ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि सॉवरन आपको ओबे करेगा, आपकी कमांड्स मानेगा. यू विल बी रिस्पॉन्सिबल, यू विल ओबे हिज कमांड एंड वोंट डिफे.